हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज, लेकर आई हूँ एक और रिएक्शन वीडियो। और आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ, ये बहुत फेमस रैपर है, आप सब इनके बारे में जानते हैं, ये है डीनू जेम्स। बहुत टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे कि इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाइए, तो फाइनली आज चलो हम इनके एक रैप सॉन्ग पे रैप सॉन्ग सब साथ मिलकर देखते हैं, रिएक्शन देते हैं, फिर एंजॉय करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये है डीनू जेम्स का लूजर। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको देखेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये दुनिया की एक सबसे बड़े लूजर की है दास्तान, उसको था वरदान, फटी रहेगी रमेश रहेगा वो परेशान, स्ट्रगल और कंगाली में ही निकलेगा उसका सारा जीवन। और कोई नहीं है बदनसीब भाई साहब, मैं ही हूँ महान। हमेशा हिम्मत थी लाचार और हौसले थे मेरे बीमार, फेलियर के सागर में खाली पड़ा था उम्मीदों का बिछाया जाल, डरता था यार कहानी का साला निकलेगा भैया नहीं कोई सार, या मेरे सारे पेन और सैक्रिफाइसेस हो जाएंगे यूं बेकार। कोई फंक्शन में जाता नहीं था क्योंकि ढंग के कपड़े नहीं थे, और झूठ बोलता था दोस्तों से कि समझ काम में फंसा हुआ ना बे, डे बाय डे अकेले काटने को दौड़ता था ये शहर बॉम्बे, और कितनी जोर से चीखू कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे। ललचाता था अपनी बेसिक जरूरतों की चीजों को देख देख, चाय पे जी रहा था जब दोस्त खा रहे थे केक स्टेक्स और प्रोटीन शेक्स, जैसे तैसे फोन को चला रहा था लगा लगा के सेलो टेप्स, चिल्लरों की आवाज से हमेशा बसती रहती थी मेरी जेब, सब देते प्रवचन क्योंकि उनकी लाइफ चल रही है टनाटन, लेकिन जब हालत हो जाए तंग, सारे रास्ते हो जाए बंद, शक्ल का उड़ा हुआ हो रंग और उदास रहता हो मन, तब क्षण समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन, फिर काहे का व्यवहार और कौन साले यार रिश्तेदार, वो बात करते भी ये संभल कर कहीं वापस मांग ना ले उधार, अब तो ठान लिया था कितना भी समय मुझे कर दे लाचार, इस वॉर में तो एटलीस्ट नहीं डालने वाला हूँ मैं अपने हथियार। धुंधली थी राहें और रंजाना था सफर, किस्मत का क्यों बरसा मुझ पे ऐसा कहर, भेजा थी जिंदगी और खुदा था बेखबर, जिंदगी से हारा हूँ मैं हूँ ऐसा लूजर। शक्ल पे नहीं लिखा रहता है उनका सच, इसलिए आके मीच कर मत करना किसी को भी यूं ही जज, हो सकता है इसीलिए खो रहा है वो बार बार अपना धीरज, क्योंकि शायद अनाज लेने के पैसे भी नहीं कर पा रहा है बेचारा खर्च, काम मिलने की चर्चा को अब एक हो गया था अरसा, ये वो बादल थे जो गरजा पर कभी नहीं था साला बरसा, माँ को एक छोटी सी खुशखबरी सुनाने सालों में था तरसा, फिर झूठ बोल दिया करता था अब मरता क्या ना करता, फिर अकेला हुआ तो पता लगा मेरा हिम्मत ही मेरा असली साथी है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरा खुद का साथ ही मेरे लिए काफी है, एक आवाज बोती थी खत्म नहीं हुआ बे पिक्चर अभी बाकी है, हर कुत्ते का दिन आता है साले फिर तो तू एक छोटा हाथी है। धुंधली थी राहें और रंजाना था सफर, किस्मत का क्यों बरसा मुझ पे ऐसा कहर, भेजा थी जिंदगी और खुदा था बेखबर, जिंदगी से हारा करता था कोई साला मेरी हालत भी तो देखो, कुत्ते जैसे हालतों में रहूं न जाने कितने महीनों, ढंग से खाया भी नहीं था कितने दिनों से मैंने यू नो, लेकिन एक बार किसी की मुझसे ये नहीं निकला कि तेरे को कुछ चाहिए डीनो, क्योंकि असलियत ये है कोई भी नहीं चाहता कि तुम्हारा भला हो जाए, कहने को सब साथ है पर अकेले लड़नी है मेरे भाई तेरे को लड़ाई, पर देखना सब आ जाएंगे हिस्सा मांगने जब फसल की होगी कटाई, ये जरूरी नहीं किसी किराए बन जाए अब तेरी सच्चाई, मैं जानता हूँ कैसे घुट घुट के जेली है मैंने ये सजा, पर दिल कहता था राजा बहुत जल्द आने वाला एक नंबर मजा, सब बिखरा हुआ था पर विश्वास था मैं फेल नहीं हो सकता, क्योंकि घर पे भूखी प्यासी धरने पे बैठी है मेरी माँ। खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का जिगर, होंगे सच सपने बस थोड़ा और कर सबर, तुझे भी जीतना है सुन ले तू लूजर। के ऊपर
ये सॉन्ग देखा और फर्स्ट टाइम मैं इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ, पर सच ही है कि ट्रस्ट में वो इतना कनेक्ट कर गया वीडियो मुझे. वो अपनी ट्रू स्टोरी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया. और एक वर्ड जो बहुत ज्यादा टची था वो ये था कि एक मतलब खुशखबरी माँ को सुनाने के लिए मैं तरस गया था, हर बार झूठ बोलता था. तो ये होता है कि सीरियसली माँ बाप अपने बच्चों से कितनी उम्मीदें लगाकर बैठे रहते हैं कि कुछ तो ऐसा वो अपने लाइफ में करे जिसके वजह से मतलब वो प्राउड फील कर सके अपने बच्चों के ऊपर. और हम बच्चे ये कोशिश में रहते कि कुछ अच्छा करे और माँ बाप को उतनी खुशियां दे. और उनका जो लाइफ के ऊपर ये पूरा उनका स्ट्रगल के ऊपर इन्होंने ये रैप सॉन्ग बनाया और सब बहुत ही ज्यादा टची था, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. अब आगे से मैं और भी ज्यादा उनके जो वीडियो उनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी. सो गाइस चेकआउट करो ये सॉन्ग, जाकर कमेंट पे जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. जाने से पहले मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, लाल बटन जो दिख रहा है यहाँ पे उसको क्लिक कर दो. और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय.